मैं आजीवन भारत का दोस्त रहूंगा। साल 2018 में पीएम मोदी जब जापान दौरे पर गए थे तो पीएम शिंजो आबे ने उस वक्त यही कहा था। शिंजो आबे के इस वादे से ही समझ सकते हैं कि मोदी सरकार में भारत और जापान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने मजबूत हुए। जिस तरह से शिंजो आबे ने कहा वो आजीवन भारत के दोस्त रहेंगे, कुछ इसी तरह की दोस्ती का रिश्ता पीएम मोदी और शिंजो आबे के बीच भी है। पीएम मोदी उन्हें माय डियर फ्रेंड आबे कहकर बुलाते थे। जब तक शिंजो आबे जापान के पीएम रहे, दोनों देशों के बीच साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी हुई। लेकिन अब वो जापान के प्रधानमंत्री नहीं रहे। शुक्रवार को ही उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 65 साल के शिंजो आबे के खराब स्वास्थ्य के बारे में पीएम मोदी को जैसे ही पता चला, उन्होंने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। अपने दोस्त के खराब सेहत के बारे में सुनकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे, आपकी खराब सेहत के बारे में सुनकर दुख हुआ। हाल के सालों में आपकी कुशल लीडरशिप और पर्सनल कमिटमेंट के चलते भारत जापान की पार्टनरशिप पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत हुई। मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना और प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी ने ट्वीट के साथ ही साल 2018 की ये तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में दोनों नेता 13वीं भारत जापान समिट के दौरान एक अनौपचारिक बैठक करते नजर आ रहे। ये बैठक अक्टूबर 2018 में जापान में माउंट फूजी के पास एक रिजॉर्ट में हुई थी। साल 2007 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर कमान संभालने वाले शिंजो आबे को जब शुक्रवार के दिन कार्यकाल पूरा होने से एक साल पहले ही बीमारी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा तो वो इस मौके पर बेहद दुखी नजर आए, क्योंकि जनता ने उन्हें पूरे 5 साल के लिए चुना था। लेकिन शिंजो आबे का चेहरा बता रहा था कि उन्हें कार्यकाल पूरा न कर पाने का अफसोस है। शिंजो आबे अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति की वजह से सरकार को समस्या से बचाना चाहते थे। हाल ही में एक अस्पताल में 2 दौरे करने के बाद शिंजो आबे के स्वास्थ्य और कार्यकाल के बारे में अटकलें तेज हो गई थी। वो अपनी वर्षों पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे। पीएम मोदी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक पीएम शिंजो आबे विश्व के उन नेताओं में जो वैश्विक समृद्धि की दिशा में भारत को ग्लोबल पावर के रूप में देखते हैं। 2019 में जब पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी दोबारा जीत के साथ सत्ता में लौटी तो शिंजो आबे ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा था। उन्होंने कहा था कि बेहतर भविष्य के लिए हमारे साझा खोज में जापान की इच्छा भारत के सबसे विश्वसनीय साझेदार बनने की। इन दोनों नेताओं की दोस्ती जग जाहिर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक बता चुके हैं। प्रधानमंत्री और मेरे घनिष्ठ मित्र श्रीमान आबे जी, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, फ्रेंड्स, नमस्ते, कोन्निचिवा। यहाँ टोक्यो में और इससे पहले यामानाशी में और अपने घर में जिस आत्मीयता के साथ आबे सान ने मेरा स्वागत किया, उसने मेरी इस जापान यात्रा की सफलता को और भी अविस्मरणीय बना दिया है। जापान पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं का संगम है। यह वही महान देश है जिसने सिखाया है कि मानव जाति के विकास का रास्ता पुरातन और नूतन के बीच टकराव का नहीं, बल्कि उनके सह अस्तित्व और सृजन का है। नए का स्वागत और पुराने का सम्मान, यह जापान की विश्व सभ्यता को प्रमुख देन है और साथ ही भारत और जापान की एक गहरी समानता भी है। एक्सलेंसीज, जापान और भारत के संबंधों को हिंद और प्रशांत महासागरों से गहराई और विस्तार प्राप्त है। ये संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता के प्रति
और रूल ऑफ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। अपने संबंधों के आगामी विकास के लिए एक विशाल विजन पर कल और आज आधे साल के साथ मेरी बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। आज इस साझा विजन पर हमने हस्ताक्षर भी किए हैं। कल ये हमारे भविष्य को नई रोशनी देगा। हमारे बीच पूरी सहमति है कि हम अपने सहयोग को डिजिटल पार्टनरशिप से साइबर स्पेस तक, स्वास्थ्य से सुरक्षा सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में अपार गति देंगे। मुझे बताया गया है कि आज जापान के निवेशकों ने भारत में 2.5 बिलियन डॉलर के नए निवेश की घोषणा की है। इससे भारत में लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय करेंसी स्वाप व्यवस्था पर हुई सहमति में हमारा आपसी विश्वास और हमारी आर्थिक साझेदारी की निरंतर बढ़ती हुई नजदीकी साफ तौर पर झलकती है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन इसके रूप स्वरूप पर प्रश्न है। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबेसान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जापान का प्रवेश विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा। फ्रेंड्स, अगले वर्ष जापान ओसाका में G20 समिट की मेजबानी करेगा। अगले वर्ष रग्बी वर्ल्ड कप भी जापान में आयोजित किया जाएगा। पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया में आयोजित होगा और फिर 2020 में ओलंपिक्स का आयोजन टोक्यो में होगा। इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक इवेंट्स के लिए मेरी ओर से और समस्त भारत की ओर से जापान को, जापान के नागरिकों को, खेल जगत के सब महानुभावों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। फ्रेंड्स, भारत जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काइजन फिलोसॉफी की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मैं एक बार फिर आबे-सान को, जापान सरकार को और आप सबको हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। दोमो अरिगातो गोजाइमस।